तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बुर्ज खलीफा, यानी कि कोलकाता का बुर्ज खलीफा जो दुर्गा पूजा में मंदिर को सजाया गया है। मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा दोस्तों, और आज का ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप देखकर थोड़ा हैरान हो जाएगा। और देखिए ये रास्ता बुर्ज खलीफा जाने के लिए, ये देखिए बुर्ज खलीफा, और इसके अंदर इतने सारे लेजर लाइट लगे हैं जो काफ़ी दूर तक बहुत रोशनी करती है, यानी कि लाइट फेंकती है। ये देखिए, तो दोस्तों मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा। और इसकी लागत की बात किया जाए तो दोस्तों इसको करोड़ों पे खर्चा हो चुका है इसमें। और यहाँ पे हमेशा हर बार की तरह इस बार भी बुर्ज खलीफा बनाया गया है, पिछली बार भी बुर्ज खलीफा बना था। और देखिए इस बार तो और भी ज़्यादा मस्त लग रहा है इसमें, पिछली बार से ज़्यादा भी, क्योंकि इसमें बहुत पैसा भी खर्च हो चुका है और पिछली बार में उतना खर्च नहीं हुआ था जितना इस बार खर्च हुए थे। तो दोस्तों आप लोग, और ये देखिए दोस्तों लेजर लाइट की वजह से कितने अच्छे लग रहे हैं बुर्ज खलीफा ये, और देखिए कितने दूर तक रोशनी भेज रहे हो, और मंदिर के अंदर पूरा चमकीला हो गया, यानी कि लाइट की वजह से पूरा चमकीला और मंदिर पूरा चमक रहा है। और देखिए ये रंग बिरंगे लेजर लाइट, यानी इसको डिस्को लाइट भी बोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बस लेजर लाइट की वजह से और काफ़ी अट्रैक्टिव मंदिर बन चुका है ये। और देखिए कितने अच्छे तरह के लेजर लाइट जल रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर और ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, वाओ ब्यूटीफुल अमेजिंग यार, ऐसा तो हमारे बिहार में भी नहीं बनता है जैसे कोलकाता में बन चुका है। और दोस्तों ये है रास्ता जाने के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा इंट्रो में, ये है थोड़ा सा रास्ता जाने के लिए जो बुर्ज खलीफा की ओर जाता है रास्ता ये, और देखिए ये। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो दुर्गा जी है उनको, दोस्तों अगर जाना हो आपको लेकता उनके पास, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस दे दूंगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और देखिए और वहाँ जाकर पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं, और अभी फेस टू फेस यानी कि रियल में।